खबर शामिल करते हैं यूनान के शहर निकिया में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान के ज़ेर एहतमाम डेमोस हॉल थेवन 245 निकिया में अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया है। मिलाद के बाद चार उम्रा के टिकट, एक अदद मोबाइल और बच्चों के लिए इनामात बजरिया कुरानदाजी तकसीम किए जाएंगे। मजीद तफसीला जानते हैं सवेरा टी वी चैनल के ब्यूरो चीफ मोहम्मद यामीन से। जी यामीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनान के इलाका निकिया में, जहाँ पर एक विलस सेलमे के पास ही बिल्कुल एक बड़ा धीमू हाल है, जहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी मिनहाजुल कुरान के ज़ेर इंतज़ाम ईद मिलादन मुस्तफ़ा जो हर साल की तरह मनाया जाता है यहाँ पर, तो उसी के हवाले से यहाँ पर सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। तो मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये वो जगह है जहाँ पर हर साल की तरह मिनहाजुल कुरान के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। तो इस साल भी यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। तो हम आइए बात करते हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान के सदर मोहतरम अरसलान खुरम चीमा साहब कि उन्होंने क्या अरेंजमेंट किए हैं और आने वाली जो क़यादत है उसके हवाले में वो बताएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। सदर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। तो प्लीज़ आप ये बता दें कि हमारे नाज़रीन को इस प्रोग्राम के हवाले से आगाह कर दें आप ज़रा। जी, जिस तरह के आप सोशल मीडिया के हवाले से आपको आगाही मिल चुकी है, तो 1 अक्टूबर बरोज़ एतवार दिन 3 बजे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान ने हमेशा हर साल की तरह इस साल भी 28वीं महफल का अहतमाम किया है। तो तमाम अहबाब जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करें। अच्छा सर, आप ये भी बता दें कि ये जो यहाँ पर एक बस स्टॉप है, जो दीगर इलाकों से हमारे जो आने वाले मेहमान हैं वो किस गाड़ी पर बैठ के यहाँ पर आएंगे, ये भी बता दें। जी बिल्कुल, आप जितने भी अहबाब बसों पर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे उनके हवाले से ये है कि ये जो बस का स्टॉप है 703, 845 जो 803 है वो भी, और 909 का भी स्टॉप है, ये बिल्कुल जो निकिया रेंदी पीरिया उसके वस्त में ये इलाका जो है वो वाकया है। तो यहाँ पे दिमवाल जो है वहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो हो रहा है। हाँ जी, जिस तरह आप जानते हैं हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान के 10 ज़ैली मराकज़ हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी बसों के ज़रिए यहाँ पे काफ़िले जो हैं वो आएंगे। तो मेरी यहाँ पे जो एथेंस में हमारे रुफका कारकुनान व बस्तगान जितने भी यहाँ पे हैं उनको भी भरपूर दावत है। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जितनी भी यहाँ पे मरकज़ी कायदीन हैं, उसके अलावा सियासी समाजी मजहबी और साफ़ी बरदरी को बिलखसूस यहाँ पे प्रोग्राम में खसूसी दावत है। उसके हवाले से अवामुन्नास से भरपूर अपील है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें। इसके अलावा यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो है 4 उम्रा के टिकट बजरिया कुरानदाजी वो हैं वो निकाले जाएंगे, वो भी आपके सामने कुरानदाजी होगी। उसके बाद फिर बच्चों के लिए ख़वातीन के लिए अलहदा जो है वो वाचिज़ हैं, फिर उसके अलावा और भी दीगर इनामात हैं। तो एक मोबाइल जो है वो भी कुरानदाजी के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत। जी हाफ साहब, आप ये बता दें कि जो मरकज़ी सालाना प्रोग्राम के हवाले से इस वक्त कौन सी क़यादत है वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुज़ूर आप आई तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान के ज़ेर एहतमाम 28वीं सालाना मरकज़ी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है, जो कि यूनान के सरजमीन पर होने जा रही है 1 अक्टूबर बरोज़ एतवार दिन 3 बजे, जिसके अंदर खुसूसी खिताब के लिए मुजद्दद रवां सदी हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िलाउल आली के छोटे साहबजादे साहबजादा डॉक्टर हुसैन मुहीउद्दीन क़ादरी सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल तशरीफ़ ला रहे हैं। आपका रूह परवर ईमान अफरोज खिताब होगा। आपके साथ मुल्क पाकिस्तान के मशहूर दो सना खानी मुस्तफ़ा मोहम्मद शमाज समी साहिब उर्फ पुलिस वाला और मोहम्मद अली जरार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब को इस रूहानी प्रोग्राम के अंदर भरपूर शिरकत की अपील की जाती है।
आज आशिका ने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया। आज आशिका ने जश्न मनाए के आमिना दा लाल आ गया। तायों गलियां बाजार सजाए के आमिना दा लाल आ गया। ते आया शकर मिलाद दियां गड़ियां, आज रब नू भी खुशियां ने बड़ियां, आज रब नू भी खुशियां ने बड़ियां। आज कोई भी ना अथरू वगावे के आमिना दा लाल आ गया। आज कोई भी ना अथरू वगावे के आमिना दा लाल आ गया। खबर रहिए हर जगह हर वक्त पर वक्त। अभी सवेरा न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात यकीन के साथ।